सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बीके एडिट। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस तरह की सेमी फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूं। तो गाइस, अगर आपको भी इस तरह की फोटो एडिटिंग करनी है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर जो भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में आइकन पर प्रेस कर देना। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड को ओपन कर देना पिक्सआर्ट के अंदर। एंड गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर एक ऐड फोटो का आइकन दिखाई दे रहा, इस पर आपको क्लिक करके अपने मॉडल की इमेज को सेलेक्ट कर देना। सो गाइस, यहाँ पर मैंने मॉडल की इमेज को आप लोग देख सेलेक्ट कर दिया। सो अगेन आपको क्या करना, इस तरीके से आपको पिक्चर को जूम कर देना मॉडल की, एंड इसके बैकग्राउंड के साथ मैच कर देना, ठीक है। एंड इसके बाद सिंपल आपको इस तरीके से नीचे जाना, और यहाँ से आपको एक कटआउट का टूल्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना। सो गाइस, मैं इसका बैकग्राउंड यहाँ से निकाल लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे एडिटिंग करनी। सिंपल आपको इस एरो पर क्लिक कर देना, ठीक है। और गाइस, यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लोडिंग लगेगा, ठीक है। तो PNG में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे PNG में कन्वर्ट हो चुकी पिक्चर। सो इसके बाद गाइस, आपको क्या करना, यहाँ पर जो भी हिस्सा रह चुका है इसको आपको रजिस्टर ऑप्शन क्लिक करके साइज को कम, हार्डनेस को 100 करके इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो गाइस, मैं इसको यहाँ से जल्दी से इसका बैकग्राउंड निकाल लेता हूँ, तो वीडियो को मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अच्छी तरीके से। ओके, तो गाइस, फाइनली मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। सो अगेन आपको क्या करना है, इस पिक्चर को यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। एंड यहाँ से आपको प्लस पर क्लिक करके यहाँ से आपको जाना ऐड फोटो के अंदर, ठीक है। और यहाँ से मैं एक PNG को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको ऐड पर क्लिक करके ऐड कर दिया। सो गाइस, अगेन आपको क्या करना, इस PNG को यहाँ पर जूम कर देना इस तरीके से। एंड सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेयर का, तो आपको लेयर के अंदर क्लिक कर देना, ठीक है। और किस लेयर के अंदर क्लिक करना आपको क्या करना है, और यहाँ से आपको कर देना मूव डाउन, ठीक है। तो ये हमारे बैकग्राउंड के पीछे चली जाएगी, ठीक है। सॉरी, के बैकग्राउंड के नहीं, अपने मॉडल के इमेज के पीछे चली जाएगी, एंड अपने मॉडल के इमेज को यहाँ पर अप जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद गाइस, आपको क्या करना कि यहाँ पर आपको इसके साथ एडजस्टमेंट कर लेना, कुछ इस तरीके से पोजिशन में लाकर छोड़ देना। एंड सिंपल आपको अपनी मॉडल की इमेज को यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, नीचे की तरफ लाकर इसको मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, सो गाइस, एंड इसको क्या करना, मैं सिंपल अपने मॉडल की इमेज पर क्लिक करके यहाँ से आपको नीचे जाना, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इफेक्ट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। सो इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट में कलर का टूल दिखाई देगा, तो आपको इसके अंदर क्लिक कर देना। और गाइस, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। सो गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलराइज का, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना। ओके, और यहाँ पर क्लिक आपको फिर से क्लिक कर देना थ्री लाइन पर। एंड यहाँ से आपको कहना है, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा यू का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करके इसकी यू को आपको माइनस एंड 100 की तरफ कर सकते हो, ठीक है, जितना 100 आपको चाहिए। सो आपको जो भी कलर बेटर लगे वो कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कलर को सेलेक्ट कर देता हूँ अभी, ठीक है। एंड इसके बाद आप चाहे तो इसके मल्टीपल भी कर सकते हो, एंड कलर बर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं मल्टीपल क्लिक कर देता हूँ, एंड इसका कलर को यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका कलर कोई भी अब सेलेक्ट करना फिलहाल के लिए। एंड सिंपल आपको ऊपर एक इरेजर आइकन दिखा देना, इस पर आपको क्लिक कर देना, एंड यहाँ से आपको कर देना इन्वर्ट। सो गाइस, मैंने इन्वर्ट कर दिया। अगेन आपको कहने ड्रॉ पर क्लिक करके हार्डनेस को 100, एंड गाइस इसके बाद आप पिक्चर को जूम करके इस तरीके से आपको कलर ग्रेडिंग कर देनी। सो गाइस, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, तो इसके मैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते, मैंने यहाँ पर कलर ग्रेडिंग कर दिया। अगेन आपको सिंपल इस राइट पर क्लिक कर देना। ओके, सो गाइस, मैंने राइट पर क्लिक कर दिया, और यहाँ से आपको ह्यू के अंदर क्लिक करके आपको जो भी कलर बढ़िया लगे वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मैं ये वाला ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं जो भी मुझे इफेक्ट बढ़िया बोले मैं ऐसे कलर बर्न को सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो आपको भी ऐसे कलर बर्न अच्छा लगे तो सेलेक्ट कर देना, एंड सिंपल आपको ऊपर डन पर प्रेस कर देना। ओके, सो गाइस, इस तरीके से कर देने के बाद आपको क्या करना कि फिर से आपको पिक्चर पर क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको नीचे जाना इफेक्ट टूल्स के अंदर। ओके, सो गाइस, एंड फिर से आपको जाना पड़ेगा कलराइज के अंदर। ओके, सो गाइस, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर से आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके इसकी ह्यू के अंदर चले जाना, एंड इसकी ह्यू के कलर को आपको सेलेक्ट कर देना, ठीक है। एंड सिंपल आपको जाना ऊपर रबर के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कर देना इनवाइट। ओके, सो गाइस, मैंने इन्वर्ट कर दिया। सिंपल आपको क्या करना
कि अपनी पिक्चर को जूम करके रीस्टोर ऑप्शन में क्लिक करके हार्डनेस को फुल, साइज को थोड़ा सा कम और इस तरीके से आपको इसका कलर डिजाइन कर देना। सो फिर से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। सो गाइस फाइनल मैंने इसका कलर यहाँ पर डिजाइन कर दिया। अगर मैं इसको कर देता हूँ डन पर क्लिक, यानी कि इस डन पर क्लिक करना, अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको मल्टीप्ले कर देना और यहाँ से आपको ह्यू के अंदर क्लिक करके आपको इसका कलर डिजाइन सेलेक्ट कर देना, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर मैं इसका कलर को यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। और सिंपल आपको क्या करना है, इसको डन पर क्लिक कर देना। ओके सो गाइस मैंने डन पर क्लिक कर दिया। अगेन आपको क्या करना, फिर से पिक्चर पर क्लिक करें, पिक्चर डन मत करना और यहाँ से आपको नीचे जाना और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट का, इसके अंदर आपको फिर से क्लिक कर देना। सो फिर से आपको लास्ट में जाना और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सैचुरेशन का, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। और गाइस मैंने इस पर क्लिक करके आपको इसकी फेड के अंदर चले जाना, ठीक है, इसकी अमाउंट टू यहाँ फेड जो भी बोले, एंड इसके अमाउंट को आपको क्या है गाइस इतनी में डाल देता हूँ, ठीक है, 70 के आसपास। और सिंपल आपको ऊपर एरिज के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके सेचर जो अपनी फेस पर आ रही है इसको रिमूव कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसका फेस क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको कर देनी है। एंड यहाँ पर थोड़ा बॉडी पर भी कर देता हूँ, ठीक है, और इसको करने के बाद सिंपल इसको डन कर देना और अगेन आपको डन कर देना। सो इसके बाद गैस आपको यहाँ पर ऊपर भी डन कर देना, ठीक है, और गैस यहाँ पर मैंने कर दिया डन पर क्लिक। सो गैस ठीक है, एंड गाइस सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, इसके अंदर आपको क्लिक कर देना। सो यहाँ से आपको एडजस्टमेंट कर देना, ठीक है ना। सो गाइस एडजस्टमेंट के अंदर चले आना और यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बनाने इसको हल्की से आपको प्लस की तरफ करके एंड इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी डाउन कर देना। और सिंपल आपको जाना हाईलाइट के अंदर एंड इसके हाईलाइट को आपको हल्की सी प्लस एंड यहाँ टेम्पर करने से क्लिक कर देना और टेम्पर को थोड़ा माइनस की तरफ करके और इसकी शेडो को गाइस थोड़ी सी आपको प्लस की तरफ कर देना। ओके तो गाइस यहाँ से जाता मैं कॉन्ट्रास्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्लिक कर दिया एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को गाइस थोड़ी माइनस एंड यहाँ से आपको कहने कि इसके ब्राइटनेस को हल्की सी मैं इतनी कर लेता हूँ एंड सिंपल आपको इस इरेजर पर क्लिक कर देना, ठीक है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इन्वर्ट एंड पिक्चर को जूम करके आपको इसके हार्डनेस को थोड़ा डाल देना, साइज को कम और फेस को गोरा कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्रश को चला देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर आपको बॉडी पर भी थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ कर देना। एंड सिंपल मैं इसको डन कर दूंगा और अगेन मैं जाऊँगा सैचुरेशन टूल के अंदर एंड इसकी सैचुरेशन डाउन कर दूंगा इस तरीके से और यहाँ से मैं जाता हूँ हाईलाइट के अंदर, ठीक है, और हाईलाइट को थोड़ा सा डाल देना और सिंपल मैं जाता हूँ इसे टेम्पर के अंदर, ठीक है, टेम्पर को डाउन करना इतनी और अगेन मैं इसको डन कर देता हूँ। सो ओके गाइस, एंड इसके बाद गाइस आपको कैन ऐड फोटो के अंदर चल जाना और एक पेन जी को सेलेक्ट कर देना। तो गाइस मैंने लेंस पेन जी को सेलेक्ट कर दिया, अगेन आपको ऐसे नीचे जाना पड़ेगा, एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपको इसके अंदर क्लिक करके यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना, तो इस तरीके से आपको इसको जूम कर देना और गाइस यहाँ पर आपको इसको मेंशन कर देना कुछ इस तरीके से और यहाँ से आपको जाना ओपेसिटी के अंदर, ठीक है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देनी तकरीबन इतनी और सिंपल आपको इसको डन कर देना। ओके सो गाइस, एंड अगेन आपको क्या करना है कि इस पिक्चर को सिंपल है सेव कर देना, ठीक है, तो गाइस सेव करने से पहले आपको क्या करना है, एक यहाँ से आपको टूल के अंदर क्लिक कर देना, फिर आपको एडजस्टमेंट के अंदर क्लिक कर देना, ठीक है, एंड इसके बाद गाइस आपकी इसकी क्लैरिटी को डाल देनी, ठीक है, तो क्लैरिटी इसमें बहुत ही कम है एंड क्लैरिटी को डाल दिया और सैचुरेशन थोड़ा सा आपको भी डाल लेना ताकि बैकग्राउंड के साथ आप पिक्चर की भी कलर ग्रेडिंग मैच हो जाए एंड सिंपल मैं इसको डन कर देता हूँ। ओके सो अभी मैं इस पिक्चर को सेव कर देता हूँ, तो आपको क्या है कि यहाँ से आपको ड्रॉ टूल्स के अंदर क्लिक कर देना एंड कैसे इसके बाद आपको सिंपल थ्री लाइन क्लिक करके सेव इमेज प्रेस कर देना। सो अभी हम चलते हैं ऑटोडेस्क के अंदर, वहाँ पर इसका हम हेयर रीजन क्रिएट करते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने इस पिक्चर को ओपन कर दिया ऑटोडेस्क के अंदर। अगेन आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और गाइस यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको क्या करना, बहुत सारे ब्रश आ जाएगी, तो आपको नीचे जाना और यहाँ से आपको एक स्मूथ का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस ब्रश को सेलेक्ट कर देना और सेकेंड ब्रश को सेलेक्ट कर देना, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगेन आपको यहाँ से सेटिंग के अंदर चले जाना ऊपर, ठीक है, और इसकी साइज को तकरीबन डाल देनी तकरीबन इतनी 34 के आसपास एंड इसके फॉलो को कम कर देना है
9-10 के आसपास एंड इसकी स्ट्रेंथ तो के भी इसके सेम कर देना है। तो आपको ये वाली सेटिंग बेसिक कर देनी है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूँगा, फिर आपको अपनी पिक्चर को जूम करके और यहाँ से आपको क्या करना है, इसका हेयर डिजाइन को क्रिएट कर देना, ठीक है। सो गाइस, मैं इसका हेयर डिजाइन कुछ इस तरीके से आपको इसका क्रिएट कर देना। सो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो गाइस, मैंने इसका हेयर डिजाइन तो क्रिएट कर लिया। तो अगेन आपको क्या करना है कि सिंपल आपको इस टूल्स पर फिर से क्लिक कर देना, ओके। और यहाँ से आपको सेटिंग के अंदर क्लिक करके इसकी साइज़ को कम कर देना, तकरीबन यहाँ से 5 के आसपास, ठीक है। एंड इसकी फोटो को थोड़ा डाल देना, स्क्रीन को डाल देना, इसको क्रॉस कर देना, फिर आपको अपनी पिक्चर को जूम कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड कैसे इसके बाद आपको कहना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला सेकेंड ऑप्शन के अंदर क्लिक करके, और यहाँ से आपको सेकेंड लेवल फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर दिया तो आपको क्या है, इस तरीके से इसको भी जूम करके यहाँ पर आपको इसको सेंड कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड सिंपल आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइन कर देनी क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका कट क्रिएट कर देता हूँ, ओके। सो गाइस, एंड कैसे इसके बाद क्या करना, आपको नीचे की तरफ लेकर आना और यहाँ पर एक और कट क्रिएट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कट क्रिएट कर देना है। एंड इसको मैं अभी क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो इस लाइन पर क्लिक करके इसकी साइज़ को थोड़ा डाल लेना, फॉलो को कम कर देना इस तरीके से, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर रिमूव कर देना, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी इसके स्ट्रिंग को डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। एंड इसको मैं ऐसा कर देता हूँ क्रॉस। एंड अभी इस पिक्चर को सिंपल शेयर को देता हूँ, तो आपको 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ से आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है, और शेयर टू डिवाइस कर देना। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नए सीखने को जरूर से मिलेगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सिंपल आपको शेयर पर क्लिक कर देना, पिक्चर हमें शेयर हो चुकी है गैलरी के अंदर है।